नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। झांसी पुलिस ने एक महिला सहित 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, 7 दोपहिया वाहन एवं रुपए बरामद किए हैं। झांसी SSP शिवहरि मीणा के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर अनुज कुमार के नेतृत्व में वारंटी एवं वांछित अपराधियों की तलाश में थानों की पुलिस जुटी हुई है। इसी क्रम में बड़ागांव थाना अध्यक्ष अपनी टीम और चिरगांव थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बेतवा नहर पुल के पास बराठा घाट पर 5 संदिग्ध युवक नजर आए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 5ों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार हुए युवकों के पास से 315 बोर के 3 तमंचे, 1 खोखा कारतूस, 5000 रुपये नकद व 7 दोपहिया वाहनों को बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों को थाने लाया गया, जहां पूछताछ करते हुए छानबीन की गई। तभी पता चला कि उक्त बदमाश 7 लुटेरे हैं। उन्होंने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। पूछताछ में उन्होंने नाम आशिक राजपूत निवासी बड़पुरा थाना बबीना बताया। इसी प्रकार मुकेश राजपूत निवासी पूरा बरधा थाना पूरा कला ललितपुर, अमित पाल निवासी हीरापुर थाना बबीना, सुमित पाल निवासी धर्मपुरा थाना पंडोखर दतिया और हर्ष कुमार उर्फ मुस्कान राजपूत निवासी करगुमा थाना चिरगांव बताया। आशिक और मुस्कान रिश्ते में भाई बहन लगे हैं। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों को के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है अपराधियों के विरुद्ध, उसमें क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बड़ागांव द्वारा चिरगांव पुलिस और बबीना पुलिस के सहयोग से एक लुटेरा और बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। उनके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फ़ोन, 5000 रुपये बरामद हुए हैं और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। इनके द्वारा 26 तारीख को जो एक लूट की घटना की गई थी, इसमें बाइक मोबाइल फ़ोन 5000 रुपये लूट लिए गए थे, इसको बरामद कर लिया गया है। और इनके गैंग में एक लड़की भी सदस्य थी जो अपराधियों को संरक्षण देने में और माल को डिस्पोज करने में मदद करती थी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और अन्य अपराधों का जो इन्होंने किया होगा उसके संबंध में भी खुलासे की कार्रवाई चल रही है। ये चोरी का उद्देश्य था धन कमाना और उसको अपने व्यक्तिगत खर्चों में प्रयोग करना। जो गाड़ियां अच्छी होती थी उनको बेच दिया जाता था और जो गाड़ियां पुरानी होती थी उनको कबाड़ियों को बेचने की बात प्रकाश में आई है। इसमें अतिरिक्त विवेचना प्रचलित है। इनका कार्य क्षेत्र बड़ागांव और चिरगांव थाना क्षेत्र था और ये बेसिकली ललितपुर दतिया और बबीना थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें एक व्यक्ति लोकल करगुआ थाना चिरगांव का रहने वाली लड़की थी, जिसका फादर हिस्ट्री सीटर है और अभी जेल में बंद है। उसके खर्चे चलाने के लिए भी ये लोग लूट की घटनाएं कार्य करते थे। गाड़ियाँ देहात के क्षेत्रों में बेचे जाने की सूचना प्राप्त हुई और विवेचना चल रही है।